हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव एंड आई वेलकम यू ऑन योर ऑन स्टडी चैनल कैरियर हम सफ़र सफ़र कामयाबी तक। फ्रेंड्स, यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें हम याद करेंगे कि किस खनिज के उत्पादन में एवं भंडारण में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हम याद करते हैं लेकिन एग्ज़ाम में कन्फ्यूज कर जाते हैं, तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने इस वीडियो को लाया है और इसे हम इस वीडियो में ही याद कर लेंगे और थोड़ा बहुत इसका आप रिवीजन कर लेंगे, चीज़ों को लिख लेंगे, मैप पे रिलेट कर लेंगे, यह काफ़ी आसान हो जाने को है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का ओर है, तो इसके उत्पादन एवं भंडारण दोनों में आपका उड़ीसा है। अब इसे याद कैसे रखेंगे, तो देखिए बॉक्साइट को आप रिलेट कीजिए सुल्तान फिल्म वाली बॉक्सिंग से, है ना, या फिर मैरी कॉम को भी। अब देखिए उसमें चलता है मुक्का और मुक्का मारेंगे, ऐसे रिलेट कीजिए कि किसी को हम मुक्का मारेंगे जाएगा उड़ और जाकर करके भंडारित हो जाए कहाँ, उड़ीसा में। यानी बॉक्साइट बॉक्सिंग, उड़ने वाली बात दिमाग में रखने हैं, उड़ीसा। चलिए आगे देखिए, सी फोर कोल, सी फोर छत्तीसगढ़, यानी सी से कोयला, सी से छत्तीसगढ़, यानी कोयला के उत्पादन में आपका छत्तीसगढ़। लेकिन भंडार कहाँ इसका है, तो आप जानते होंगे झारखंड भी कोयला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, झार जंगल में कोयला का भंडार सबसे अधिक मिलता है। इस प्रकार से है ना, दो हम लोगों ने याद कर लिया है। नेक्स्ट की हम बात करें देखिए, तो कॉपर, कॉपर यानी ताम्र, है ना, हिंदी में इसे ताम्र कहते हैं, ता म म मेर। अब देखिए इसे कैसे याद कर लेंगे कि ताम्र है तो म से मध्य प्रदेश और म में र है तो र से राजस्थान, यानी उसी क्रम में हम याद रखेंगे। यानी कॉपर के उत्पादन में आपका मध्य प्रदेश टॉप पे है जबकि इसके भंडारण में आपका राजस्थान है। क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल, कच्चा तेल में आपका क्या है, राजस्थान। अच्छा, कभी आपने देखा है कई सारे जो मीन्स क्या, सरसों का तेल, और सरसों का तेल आपने देखा होगा, बस रिलेट कर रहा मैं, कि उस पर लिखा रहता होगा भरतपुर और कच्ची घानी तेल, इस प्रकार से रहता होगा, है ना, तो ये सब कहाँ है, राजस्थान। तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं कि कच्चा तेल कहाँ, तो कौन से स्थान पे कच्चा तेल मिलेगा, तो राजस्थान में। अब बाकी देखिए इसका भंडारण, तो भंडारण क्या होता है कि तेल का भंडारण या किसी भी चीज़ का, पैसा का ही भंडारण क्या करते हैं, जोड़ जोड़ करके, जोड़ जोड़ कहने का मतलब छोटा छोटा इकट्ठा कर कर करके, जोड़ जोड़ करके यानी सम कर कर करके, सम यानी असम से आप रिलेट करेंगे, ठीक है। आगे की हम बात करें देखिए डायमंड की, केवल आप एक बार सुन लीजिए, मैं लास्ट में रिविज़न कराऊँगा मैप पर और आपको चीज़ें याद हो जाने के। अब देखिए डायमंड जो है एक प्रीसियस सब्सटेंस है या फिर मैटर है, जो अब कह दीजिए इसे, ठीक है, जो कि कार्बन का प्रूफ है। अब देखिए तो डायमंड जो है यानी हीरा, ये क्या है, महंगी चीज़ है, तो आप सोचिए यदि आपको दी जाए तो आप कहाँ रखेंगे, आप अपनी बैग में किस जगह पे रखेंगे, सबसे ऊपर, सबसे नीचे या बीच में। जनरली आप क्या उसे बीच में रखेंगे ताकि सभी जगहों से वह प्रोटेक्ट हो। तो इस प्रकार से चीज़ों को हम रिलेट कर करके याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे कि जो डायमंड है यानी हीरा जो है वह क्या है, महंगी है ना, महंगी है, महंगा पदार्थ है, इसलिए इसे यह कहाँ रहेगा, बीच में, उत्पादन में भी और भंडारण में, यानी बीच में कौन है आपका, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखिए आयरन, आयरन मीन्स लोहा, और लोहा का बनता है क्या, कील, कील मतलब समझ रहे हैं, कील मतलब क्या, कांटी भी बोलते हैं हम, है ना, कांटी भी बोलते हैं। तो आयरन का, आयरन का कील, अब देखिए तो इसे याद कैसे करेंगे, अब मान लिया कि घर में ही किसी प्रकार का है ना कोई हैंगर वगैरह बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, कौन से पूछते होंगे, ठीक है, या कभी आप रेंट पे रहे होंगे तो आप पूछते होंगे मकान मालिक से कि कौन से दिशा में है ना कांटी को लगाएं, ठीक है, तो इस प्रकार से दिशा यानी उड़ीसा, ठीक है, और कांटी कर्नाटक, कुछ इस प्रकार से आप चीज़ों को रिलेट करेंगे, है ना, कि आयरन और कौन से दिशा में कांटी लगाएं, कौन से दिशा में कांटी लगाएं, आयरन वाला, ठीक है, तो याद हो गया दिशा और कर्नाटक। नेक्स्ट की बात करें देखिए एम से मैग्नीज है ना, चलिए मैग्नीज का आप एटॉमिक नंबर हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जरा देखिए तो मैग्नीज जो है, एम से मैग्नीज, एम से मध्य प्रदेश, है ना, तो मैग्नीज के उत्पादन में आपका मध्य प्रदेश है लेकिन भंडारण में आपका कौन है, तो उड़ीसा है। तो मैग्नीज, एम से मैग्नीज, एम से मध्य प्रदेश, और ये आपका क्या है, उड़ीसा, इसके किस में, भंडारण में प्रथम है। नेक्स्ट की हम बात करें देखिए सिल्वर, सिल्वर मीन्स होता है चांदी, और देखिए चांदी को ऐसे रिलेट कीजिए चांदनी रात में, ठीक है। अच्छा यह बताइए क्या बेरोजगारों के लिए भी कोई चांदनी रात है, नहीं ना, है ना,
किसके लिए है? राजाओं के लिए, ठीक है? या फिर मीन्स कहने का मतलब समझिए, सेंस समझिए, मैं पुरानी बातों से रिलेट कर रहा कि राजा महाराजाओं के लिए क्या चांदनी रात जैसी कुछ बात थी, ठीक है? तो चांदनी रात यानी रा से राजस्थान, यानी चांदी के उत्पादन एवं भंडारण दोनों में आपका कौन है? राजस्थान है। क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट की हम बात करें। हाँ, टीन, टीन का गढ़ ऐसे याद रखेंगे, टीन का गढ़, गढ़ मतलब समझते ही हैं, उत्पादन भंडारण जैसी कुछ बातें हैं। हाँ, तो टीन का गढ़ कौन है? छत्तीसगढ़। एंड टीन अभी जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा है ना, वह क्या? छत्तीसगढ़ से होता है, जबकि भंडारण इसका है कहाँ? हरियाणा में। यानी कहने का मतलब है कि क्या भंडारण के लिए तो कहाँ आना, भंडारण देखना हो टीन का तो हरियाणा आना है ना, जबकि उत्पादन का जो गढ़ है वह कौन है? छत्तीसगढ़ है। आगे देखिए नेचुरल गैस। अब देखिए हमारे यहाँ जो एलपी जो यूज होता है ना, एलपीजी गैस जो यूज होता है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि एलपीजी में कौन कौन सा प्रमुख उसके अवयव है ना, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं, प्रमुख घटक हैं जो कहिए, किसका किसका मिश्रण से बना होता है। तो नेचुरल गैस जो है, यह आपका अभी आप सुने हो कि गैस काफ़ी यह महंगी मिल रही है ना, लोग महंगी मिल रहे हैं, जिसके कारण से लोगों को क्या कर रहा है, करना पड़ रहा है, पैसा को जोड़ जोड़ करके जमा करना पड़ रहा है गैस के लिए, है ना, कि नेक्स्ट मंथ है जो हमें क्या रिफिल कराना है गैस, लगभग 1,000 के आसपास में है ना इसका रेट। तो कहने का मतलब है कि जोड़ जोड़ करके, जोड़ जोड़ कर करके मतलब असम को, असम इन सम, ठीक है, इसमें सम एक टर्म जैसा आ रहा है कुछ टोन है ना, उसी से हम याद कर लेंगे कि लोग जोड़ जोड़ कर करके है ना गैस के लिए पैसा ला रहे हैं। तो उत्पादन एवं भंडारण दोनों में आपका कौन है? असम है। इसके बाद देखिए क्रोमाइट। तो क्रोमाइट जो है वह आपका क्या है? उत्पादन एवं भंडारण दोनों में उड़ीसा है। अब देखिए याद कैसे इसे रखेंगे कि देखिए क्रोमाइट, अभी हम लोगों ने मारने की बात किया था, कोई है जो ईंट से किसी को क्या कर दे, मार दे है ना, किसी से ईंट से, तो ईंट से मार किसी को आप मार दीजिए वह क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो ऐसे याद रखेंगे कि क्रोमाइट है ना उत्पादन एवं भंडारण दोनों में क्या है? आपका उड़ीसा है। उसके बाद है जो आपका क्या? गोल्ड। गोल्ड मीन्स सोना, आप समझते ही हैं, सोना क्या है अपने आप में? टकाटक, ठीक है क्या? सब्जी तो ले लो। आपको याद हो चुके हैं क्या कि गोल्ड में आपका कौन है? कर्नाटक। अब देखिए हम बात करें नेक्स्ट की। अब इन सब का जो भी है हम लोग अब रिवीजन करेंगे इसका, है ना, कि कभी कभी कुछ साउंड आपको सुनाई देंगे इन सब में, तो थोड़ा उन सब को थोड़ा टॉलरेट कीजिएगा, नहीं तो मैं वीडियो कर ही नहीं पाऊँगा। इसके कारण से ही मैं वीडियो बना भी नहीं पाता था शोरगुल के कारण से, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ी बहुत साउंड जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना, लोग समझेंगे इस चीज़ को। हाँ, अब देखिए हम इनका रिवीजन करेंगे, प्रोडक्शन और रिजर्व में, मीन्स उत्पादन एवं इसके भंडारण में। तो देखिए अब हम लोगों ने याद कर लिया है, अब बस आपको आँख को बंद कर करके मेमोराइज करना है चीज़ों को, मीन्स रिमाइंड करना है मेरे साथ में। जैसे हम लोगों ने बात अभी किया था क्या, कॉपर, कॉपर को हमने बोला था ताम्र, और म से मध्य प्रदेश उत्पादन में, र से राजस्थान आपका भंडारण में। क्लियर हो गए? चलिए तो दोनों एक साथ हमारे याद हो गए। नेक्स्ट की अब मैं बात करूँ, नेक्स्ट है मान लो कि यहीं से ले लूँ, डायमंड। डायमंड मीन्स क्या होता है आपका? हीरा। तो हीरा जो है फ्रेंड्स वह क्या महंगी, और महंगी है तो इसे रखेंगे बीच में, बीच में कौन आता है आपका? तो मध्य प्रदेश। तो यह भी क्लियर हो गया, एमपी। उसके बाद है जो मैग्नीज, और मैग्नीज एम से, मैग्नीज एम से मध्य प्रदेश, लेकिन इसके भंडारण में आपका कौन था? उड़ीसा था। यह क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद है जो मैं बात करूँ नेचुरल गैस, और गैस के लिए पैसा हम जोड़ जोड़ कर के लिए हमारे गार्जियन क्या कर रहे हैं? रख रहे हैं है ना, ताकि नेक्स्ट मंथ है जो गैस भराने के लिए जोड़ जोड़ करके, सम कर कर करके, इसका मतलब है कि आपका दोनों में आपका उत्पादन एवं भंडारण में आपका कौन है? आसाम है। इसके बाद देखिए चांदनी रात की हमने बात किया था, चांदनी रात राजाओं के लिए यानी राजस्थान, उत्पादन एवं भंडारण दोनों में आपका कौन है? तो आपका राजस्थान है। जबकि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, कच्ची घानी हमने बात किया था कि कच्चा तेल आपका कहाँ? राजस्थान में ही आपको मिलेगा इसका उत्पादन, जबकि भंडारण में वही तेल वाली बात कहाँ? फिर से आसाम। इसके बाद है जो गोल्ड, गोल्ड क्या टकाटक है ना, मतलब शुद्धता के लिए नहीं बोलते हैं कि एकदम टकाटक है, सोने जैसा खरा, सोने जैसा टकाटक, ऐसे। तो कर्नाटक, उत्पादन एवं भंडारण दोनों में। नेक्स्ट की अब मैं बात कर लूँ तो बॉक्साइट, बॉक्सिंग
है ना, बॉक्सिंग अपने क्या फैट से, अपने किस चीज़ को, अपनी मुक्का से किसी को मारेंगे वह जाएगा उड़। यानी बॉक्साइट उत्पादन में एवं भंडारण दोनों में आपका कौन है, तो उड़ीसा है। क्रोमाइट, अब देखिए क्रोमाइट ईंट से आप किसी को मारेंगे दोस्त क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो क्रोमाइट में उत्पादन एवं भंडारण दोनों में आपका उड़ीसा है। आयरन ओर की बात किया था हम लोगों ने क्या, कि कौन से दिशा में, कौन से दिशा में यानी उड़ीसा है ना, उससे रिलेट किए कि कौन से दिशा में कील लगाया जाए, है ना, कौन से दिशा में कील लगाया जाए, कौन से डायरेक्शन में लगाया जाए। तो आयरन ओर में आपका उड़ीसा है, किसमें उत्पादन में, जबकि कर्नाटक जो है आपका भंडारण प्रथम है। और माइका जो है, माइका मीन्स क्या होता है, अब्रक, ठीक है, तो माइका में आपका क्या है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो बस इसे हमें क्या करने थे, याद करने थे, और आपको यह याद भी हो चुके हैं। तो माइका आप समझते हैं, जैसे माइका आप देखते होंगे बर्थडे वगैरह में यूज़ होता है, या कोई सेलिब्रेशन में जिसमें, जिसे बुरादा बोलते हैं, या फिर आपने देखा होगा आयरन का जो मीन्स कॉइल होता है जिससे हम प्रेस करते हैं, ठीक है, तो उस पे के ऊपर एक लेप लगाया जाता है, ठीक है, तो माइका का ही होता है, या क्या होता है, इंसुलेटर होता है, तो जो चमकता है उसी को तो माइका कहते हैं। तो ऐसे याद रखिए क्या, कि माइका है जो क्या किया गया बर्थडे में, मीन्स वह जो क्या बोलेंगे, हाँ बुरादा, तो वह हमारी आँखों में चली गई, जिसके कारण से, ठीक है, हमें ऐसा लगा कि हम क्या अंधे हो गए, अंधर आ गए, है ना। तो माइका क्या, तो आंध्र प्रदेश। और इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने प्रयास किया कि आपको ये चीज़ें याद हो जाए। तो मेरे हिसाब से यह काफ़ी आपके लिए यह हेल्पफुल वीडियो है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और आपको किस प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एवं एग्ज़ाम के प्रस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट वीडियोस चाहिए, क्योंकि हमसे फालतू वीडियोस नहीं बन पाएगा फ्रेंड्स, हम वही बना पाएंगे, है ना, जो एग्ज़ाम के प्रस्पेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो। और आप अपना कीमती समय देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, कि आप वीडियोज़ को देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और हमारा मोटिवेशन को आप बढ़ाइए। अच्छा, एक और भी बच गया, टीम, है ना, तो हम लोगों ने बात किया था टीम, तो टीन में हम लोगों ने क्या याद किया था, याद है कुछ, टीन का गढ़ छत्तीसगढ़, यानी प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ था, इसमें शायद नहीं लिखा। और क्या, और टीन के लिए आना कहाँ, हरी के घर हरियाणा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।